की तरफ से उत्तराखंड 500 रुपए संजय अरुण जी राजपूत की तरफ से नंदुरबार मराठी 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई चौदह विचार आपके 1400 अपने समृद्ध की नैन के पंचाल की तरफ से मोबाइल 251000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई 1400 आपके 1400 अपने समृद्ध की निर्मला जी की तरफ से मंडी दीप मध्य प्रदेश 1500 रुपए श्यामा रानी की बस्ती की तरफ से पुणे मराठी 1500 रुपए लक्ष्मीकांत जी सीरत राम जी की तरफ से नंदन मराठी 1200 रुपए गोपाल प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल 500 रुपए विश्वनाथ जी अग्रवाल की तरफ से 1100 रुपए नितिन जी गर्ग की तरफ से 1500 रुपए आयुष जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए अतिथि जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान 2200 रुपए की चौरासी समृद्ध की निष्ठा जी की तरफ से लुधियाना पंजाब 2500 रुपए केसी जी त्रिपाठी की तरफ से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की उषा जी शर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए सुमित्रा जी शर्मा की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की अभिषेक संजय जी वर्मा महू उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मोहन धन लक्ष्मी जी कंबोडिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 51000 रुपए की चौरासी अपने पापा कमरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई 1400 आपका 1200 चौरासी आपने समृद्ध की जगदीश चंद जी विजयपुर की भीलवाड़ा राजस्थान 2100 रुपए सुमन सिंह जी की तरफ से दिल्ली 1100 रुपए जयंती देवी जी की तरफ से पटना बिहार 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की गया प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से फतेहपुर 1500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की गंगा देवी जी शुक्ला की तरफ से 1500 रुपए भगवान जी वैशाल की तरफ से दिल्ली 5100 रुपए की चौरासी अपने पापा कमरेश्वर धाम से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई 1400 आपके 1400 चौरासी अपने समृद्ध की मोची राम जी प्रजापति की तरफ से महाराजगंज से 1500 रुपए की चौरासी समृद्ध की गुप्ता में 1100 रुपए एकता जी गुप्ता की तरफ से लखनपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मनी जी दीपालवाल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मनोज जी जहाँ दिल्ली से 1500 रुपए मिंटू कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 1500 रुपए अमेंद्र जी पंडित की तरफ से 1100 रुपए इंदू जी शुक्ला की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए दीवान जी चाह की तरफ से 5000 रुपए की चौरासी अपने मामा को प्रयास अमेंद्र समृद्ध की बहुत पसंद आई तो तब चल आपके 1400 चौरासी अपने समर्पित की सरोज जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए प्रतिमा जी ज्योति कच्छ गुजरात से 1100 रुपए की चौरासी अपने मामा को प्रयास अमेंद्र समृद्ध की बहुत पसंद आई तो तब चल आपके 1400 चौरासी समृद्ध की अर्चना कुमार जी जमशेदपुर से 1500 रुपए ज्योति महादेव की घटना की तरफ से गोला मराठी से 4200 रुपए की चौरासी अपने मंदिर एवं गौशाला है तो समृद्ध की बहुत बधाई देवी जी की तरफ से 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की सभी दाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ 1400 अपने समृद्ध की जो भक्त अपनी चौरासी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सभा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है उसमें अपनी चौरासी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त तिलदा नेवरा की बाबा धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठले सेवा समिति का जो धान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज छठवे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमः। दिनों में बनकर तैयार होगी जिसमें लगभग 1,00,000 लोग एक साथ में भोजन कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे। आनंद बनने जा रही है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है साथ में 12 से 13 हॉल भी इस धर्मशाला में बनाए जाएंगे। लगभग 300 से 400 भक्त एक हॉल में बड़े ही आराम से रुक सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे आनंद में कर सकेंगे। सेवा का क्रम निरंतर चालू रहता है साथ में आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। एक नई गौशाला और बनने जा रही है लगभग 5000 से 10000 गौएं उस गौशाला में बड़े ही आराम से विचरण कर सकेंगी। सुंदर यह सेवा का क्रम चालू है पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु। तस्मै श्री गुरुवे
नमः। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। मेरे गुरुवर आने वाले हैं, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले हैं। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरे गुरुवर आने वाले। सब गुरुवर की जय कार करो, मेरे गुरुवर आने वाले। सब गुरुवर की जय कार करो, मेरे गुरुवर आने वाले। मेरे गुरुवर आने वाले, मेरे गुरुवर आने वाले। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज छठवे दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है, ये कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक तिलदा नेवरा की पावन धरा पर चलेगी। इसके उपरांत 10 अगस्त से 14 अगस्त तक कथा दतिया की पावन धरा पर आप सभी और हम सभी श्रवण कर सकेंगे, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। इसके बीच में 8 अगस्त को पूज्य गुरुदेव नर्मदा माता की पावन धरा नेवावर मध्य प्रदेश में बाल मुकुंद सेवा आश्रम अन्य क्षेत्र में जाएंगे। 3 बजे पूज्य गुरुदेव वहां पर पहुंचेंगे। परम पूज्य आदरणीय स्वामी जी श्री 1008 विष्णु प्रपन्नाचार्य जी के सानिध्य में जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, पूज्य गुरुदेव वहां पर पहुंचेंगे। निरंतर ही ये क्रम चालू है। 8 अगस्त को सभी भक्त ध्यान दें, नेवावर की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव दोपहर 3 बजे वहां पर प्रस्थान करेंगे। साथ में आज कथा के छठवे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जिन दानदाताओं ने, जिन भामा साहू ने मंदिर गौशाला वृद्ध आश्रम अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवन सारी पन्न सारी दानदाताओं के नाम श्रीमती नर्मदा जी दुबे, श्री संजय जी दुबे द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहयोग राशि समृद्ध की। गणेशिया भाई हिरमी से सुंदर 2,01,000 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहयोग राशि अपने समृद्ध की। श्रीमती रंजना जी शर्मा की तरफ से सुंदर 1,100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि अपने समृद्ध की। हरिशंकर जी मधरिया
नीलिमा जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 11,000 रुपए की स्वग्रासी बाबा कमरेश्वर धाम हिंदू समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुधा स्वग्रासी आपने समृद्ध की। निवेश कुमार जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मोहन प्रसाद जी केसरी की तरफ से भोजपुर से सुधा 500 रुपए, नाथूराम जी मोदी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 500 रुपए की स्वग्रासी समृद्ध की। मीन कुछ पाल की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नीलम जी मीना की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, पवित्रा देवी जी की तरफ से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, उषा देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, दिव्यांशी जी कांबड़े की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, रीता जी पांडे कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नीता जी अग्निहोत्री उन्ना उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, मधुकर जी बाग की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। कमला बहन सुभाष भाई जी की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से 500 रुपए, धर्मेंद्र सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, रमेश एक नाची की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, शकुंतला देवी गुड़गांव हरियाणा सुधा 1100 रुपए, राजेश कुमार जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 2500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। ऋषभ जी कटिहार की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, किशोर पालू जी खेडार की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सदना जी पांडे की तरफ से चंदौली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। राकेश जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, पिमला देवी पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए, गुप्ताधन में नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए, सुरेश कुमार जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए, उत्तम कुमार जी दिवंगत नागपुर मराठे से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की। कृष्णा कृष्ण सेवक जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुंदर 2100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। दत्त्याते जी पंडरीनाथ की तरफ से भिड महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सरोज माधव सिंह जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। राजकुमार जी अग्रवाल पीतीसा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, गुलाब सिंह जी की तरफ से रोहतक हरियाणा सुधा 500 रुपए, महेंद्र जी मेहता की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। मुन्नी देवी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, उर्मिला नरेंद्र कुमार जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से पठानकोट पंजाब से 1100 रुपए, अनिल कुमार जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। टिंकल संतोष जी पांडे की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 2100 रुपए, प्रियंका जी यादव इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। अनिल कुमार जी मीना की तरफ से अलवर राजस्थान से 551 रुपए, रश्मि जी कौर की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। राजेश कुमार जी यादव की तरफ से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। मुन्ना लाल जी सिवासा फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। उमेश जी दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, पिमला देवी जी की तरफ से महेंद्रगढ़ से सुधा 500 रुपए, गुड़िया जी गुप्ता एटा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मानेश्वर जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सुचेता जी शर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कुलदीप जी अग्रवाल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, गुप्ता छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए, कमल हम्बीर जी सिंधे की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1500 रुपए, रुचि जी राठी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए, स्तुति रविशंकर जी सोलंकी बुरहानपुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। भूषण नीलकांत जी की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, गब्बर सिंह जी रावत की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, चीकू मीकू जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। बबलू कुमार जी सिंह जी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 1251 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सुनीता जी जिंदल की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, अनु कुमारी जी समस्तीपुर बिहार से सुधा 1100 रुपए, कमला प्रकाश जी की तरफ से गोतिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, सरोज जी की तरफ से जी हरियाणा सुधा 500 रुपए, सती निकंत राव जी की तरफ से नागपुर मराठे से सुधा 500 रुपए, पूरण सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, चंद्रकली जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, सुरगेश जी श्रीवास्तव की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तदान मालथोन से सुधा अपने 2100 रुपए की समर्पित की। विजय जी कौशल फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। राजकुमार नारायण जी सोनमाने की तरफ से परमणि महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। अमित सिंह की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1000 रुपए, संजय जी राय बरेली उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। तमिल कुमार जी की तरफ से गोंदिया महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, निरंजन कुमार जी शर्मा की तरफ से भरतपुर राजस्थान से सुधा 1200 रुपए, सुधा रानी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। सुमित जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। रणवीर सिंह जी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अंकित जी पालीवाल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1100 रुपए, अमर सिंह जी की तरफ से राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की। राकेश बहादुर सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, शकुंतला सिंह जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समर्पित की। अजीत कुमार सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा अपने 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की। गजेंद्र सिंह जी पाल की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, शिव कुमार जी रावत की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, रविंद्र प्रताप पहला जी महिला की तरफ से संभाजीनगर महाराष्ट्र से 500 रुपए, प्रमिला जी की तरफ से कनाडा से अपने सुधा 5100 रुपए की चौरासी बाबा कमरेश्वर धाम हिंदू समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की। दीनानाथ जी कन्नौजी की तरफ से भदोही उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, संतोष कुमार जी वर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अनुरेश अरुणेश प्रताप सिंह जी की तरफ से अयोध्या श्री रामजन भूमि से सुधा 500 रुपए, प्रेमलता राम प्रकाश जी गुप्ता की तरफ से कांचगंज उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, स्वर्गीय भुवनेश्वर जी साहू की स्मृति में उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। महेंद्र सुभाष जी सोनमाने की तरफ से बाकला महाराष्ट्र से सुधा 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल की तरफ से ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की। मनोज जी भारद्वाज की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राजवीर राजपाल जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की चौरासी समृद्ध की। बादल कुमार जी गुप्ता की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 651 रुपए, बंधन चंदन जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की। सचिन बाबूलाल जी बाबिस्कर की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, संजय जी श्रीवास्तव कोलकाता
वेस्ट बंगाल से सदा बंधु कृपा देवकी की ओझा की तरफ से, रायपुर छत्तीसगढ़ से सदा बंधु कृपा अंकित जी पाल, देहरादून उत्तराखंड से सदा बंधु कृपा किरण देवी की तरफ से, भोजपुर से सुंदर 1000 रुपए की सुगर सिद्धांत की दीपिका जी की तरफ से, हरियाणा से सदा बंधु कृपा सीरीज बसंत राव जी की तरफ से, नासिक महाराष्ट्र से सदा 22000 रुपए की सुगर से अपने बाबा कमरेश धामे से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सदा विचार आपके सदा सुगर से आपने समृद्ध की। संभाजी लक्ष्मण जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सदा 500 रुपए की सुगर से समृद्ध की। इसलिए रहता प्रेम संकट जी सोनी की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, आरके जी तिवारी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सदा 2200 रुपए की सुगर से समृद्ध की। प्रशांत जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से सदा 2500 रुपए की सुगर से समृद्ध की। कृति जी पटेरिया की तरफ से उरई उत्तर प्रदेश से सदा 500 रुपए। नरेंद्र जी राठौर अजमेर राजस्थान से सदा 500 रुपए। अभिषेक जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सदा 500 रुपए। दीपक जी आयनिक यानिक की तरफ से गंगापुर से सुधा 500 रुपए की सुगर से समृद्ध की। गुप्तधन में जहाजपुरा से सुधा 1051 रुपए की सुगर से समृद्ध की। मुनेश्वर लाल जी त्रिवेदी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 2001 रुपए। सागर मलजी दर्जी की तरफ से भातपाड़ा राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान में सुधार ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सुगर से समृद्ध की। चमन सिंह जी ठाकुर की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सुगर से समृद्ध की। काजल जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गंगा देवी आत्माराम जी ओझा की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। तारकेश्वर प्रसाद जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए। भावना जी विश्वकर्मा की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुनील जी गुप्ता मुंबई से सुधा 500 रुपए। पनवारी लाल जी गुप्ता की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500। गुप्तदान में हमीरपुर उत्तर प्रदेश से 2101 रुपए की सुगरसी आपने समर्पित की। देखिए बड़ी ही सुंदर पेंटिंग जजमान परिवार द्वारा यहाँ पर समर्पित की गई। श्रीमती प्रिया जी की तरफ से यह पेंटिंग बनाई गई है। प्रिया जी अग्रवाल द्वारा यह पेंटिंग बनाई गई है। बड़ी ही सुंदर पेंटिंग बनाई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी भक्त। बड़ी ही सुंदर पेंटिंग हैंड पेंटिंग यह बनाई गई है श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल द्वारा, जो कि कथा के मुख्य जजमान का पदभार आपने ग्रहण करा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर दानदाताओं ने जिस प्रकार से अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पवन सारी दानदाताओं के नाम, रेणु गोयल जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, मीना नंद कुमार जी की तरफ से धूले मराठी से 1100 रुपए, करण प्रकाश जी की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रोशी देवी जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की सुगरसी समृद्ध की। अमित जी पवार मुंबई से सुधा 500 रुपए, कौशल्य जी शर्मा जम्मू कश्मीर से सुधा 500 रुपए की सुगरसी आपने समृद्ध की। फूलवती जी आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ममता जी गुप्ता लखीमपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, प्रकाश जी शर्मा की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शोभा देवी जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 551 रुपए, कुसुम रविंद जी पांडे की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए की सुगरसी समृद्ध की। प्यारे जी यादव की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए, प्रवीण कुमार जी देलर की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। ऊषा जी चौरासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राम लोचन जी चौरासी की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की। नीतिका जी नीतिका सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गीता देवी जोधपुर राजस्थान से सुधा 11000 रुपए की सुगरसी अपने बाबा कमरेश धामे से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी अपने समृद्ध की। शीला रानी दत्त जी की तरफ से बिन्नौर उत्तर प्रदेश से सुधा 21000 रुपए की सुगरसी देकर जीवन भोजन ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपने नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी अपने समृद्ध की। पूजा जी मिश्रा की तरफ से 500 रुपए, शिवम जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए, अनिता राम बहादुर जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की सुगरसी समृद्ध की। संजीत कुमार जी समस्तीपुर बिहार से सुधा 21000 रुपए की सुगरसी देकर जीवन भोजन ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी अपने समृद्ध की। शारदा जी अग्रवाल कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 1501 रुपए की सुगरसी मंदिर गौशाला समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी समृद्ध की। बीरबल जी प्रजापति की तरफ से बुरहानपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुनील जी की तरफ से परमणी मराठी से 1000 रुपए, उषा कांत जी मिश्रा की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की सुगरसी समृद्ध की। रामचंद्र सिंह जी की तरफ से गोंडा महाराष्ट्र से सुधा 4000 रुपए की सुगरसी अपने बाबा कमरेश धामे से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी समृद्ध की। गुप्तदान मंडी हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुरेखा जी उकंडे की तरफ से सुधा 5000 रुपए की सुगरसी अपने बाबा कमरेश धामे से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी आपने समृद्ध की। अनिल जी छलानी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 2001 रुपए, मधु जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए, पूनम जी शर्मा की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 1100 रुपए, संजय कुमार जी जयसवाल की तरफ से हाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सुगरसी समृद्ध की। योगेश जी बिठोबा जी महाजन की तरफ से धूले मराठे से सुधा 500 रुपए की सुगरसी समृद्ध की। हरेंद्र कुमार जी बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 101 रुपए की सुगरसी अपने बाबा कमरेश धामे से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सुगरसी आपने समृद्ध की।
विधि चंजी गुप्ता की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ विजेंद्र जी गिरी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुंदर अपने समर्पित की सिंह शंकर जी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा पांच सौ रुपए कल्पना नंद किशोर जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से सुधा पांच सौ रुपए इंद्र प्रकाश जी ज्योति की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा पांच सौ रुपए प्रतिमा सिंह की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए गिरजा जी दबंगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा पांच सौ रुपए विजय भूषण सिंह की तरफ से बिलास छत्तीसगढ़ से 5000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश धामेद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौरसी अपने समृद्ध की उमा शंकर जी मंडल की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 1100 रुपए से श्याम नारायण जी भगत की तरफ से नागपुर मराठी से 1000 रुपए यशोदा योगेश जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की संदीप जी चौहान देहरादून उत्तराखंड से सुधा 2000 रुपए की चौरासी समृद्ध की अशोक जी खोपाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए मोहन सिंह जी राजपूत की तरफ से पाली राजस्थान से सुधा 500 रुपए विनीता सिंह जी की तरफ से सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की एकनाथ सीताराम जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की गुप्तधन में मुंबई से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की माछली जी मल्होत्रा की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 21000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन समर्पित की सरिता भाराजी कुबाड़िया की तरफ से मुंबई से सुधा 15301 रुपए की चौरासी मंदिर गौशाला एवं वृद्धाश्रम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा सौग्रसी आपने समर्पित की सरिता भारत गुप्तदान में सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की किरण बालाजी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए गुप्तदान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए जगदीश जी पटेल दमन दीप से सुधर अपने 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मीना जी सोनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधर 21000 रुपए की चौरासी देकर राजीवन मजमंडल की तरफ से ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की प्रेमलता मोहन जी त्रिवास की तरफ से ठाणे मराठे से 1001 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की सुनीता देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए प्रकाश जी शर्मा जमाड़गढ़ से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए रविंद्र जी यादव मराठे से सुधा 500 रुपए शुभम जी सुमभ कुमार जी की तरफ से जमुई बिहार से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की आशा जी बदीबा की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की जैन जी कटिहार की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए प्रभा नंजन दीक्षा सिंह जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए शोभा जी शर्मा हिसारा हरियाणा सुधा 500 रुपए रमेश पविता जी पांडे डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की बलवंत जी छाबड़े की तरफ से अमरावती मराठे से सुधा 500 रुपए अनिल कुमार जी शर्मा रामपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए दिनेश जी विश्वकर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए अभिषेक जी कश्यप की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए किरण जी भरण पाल की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए माहौल लाल जी यादव की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए महेश जी साहू नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए राम आसी जी शाह की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 2100 रुपए हीरामणि जी त्रिपाठी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए दरोगा भाई जी की तरफ से अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए कल्पना जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए की चौरासी समर्पित की रामस्वरूप जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए पुष्पा जी सोनी की तरफ से 2100 रुपए वेद प्रकाश जी वर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए मोहनदर सिंह जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए कमला देवी जी की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से 1000 रुपए जे एच जी चौहान की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए रवि जी वर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समर्पित की संतोष राजा राम जी जसवाल गुजरात से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपने समर्पित की संसार कांत जी त्रिपाठी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1100 रुपए पूजा सचिन जी द्विवेदी की तरफ से सत्ता मध्य प्रदेश से 500 रुपए वासु जी श्रीवास्तव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए अजय जी पाठक एटा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सुरेश चंद जी विमला देवी जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए संजय अरुण जी राजपूत की तरफ से नंदुरबार मराठी से सुधा 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश धामेद समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समर्पित की नैन जी पंचाल की तरफ से मुंबई से सुंदर 51000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश धामेद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की निर्मला जी की तरफ से मंडी दीप मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए श्यामा रानी जी अवस्थी की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए लक्ष्मीकांत जी सिरत राम जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से सुंदर 2100 रुपए गोपाल प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से 500 रुपए विश्वनाथ जी अग्रवाल की तरफ से 1100 रुपए नितिन जी गर्ग की तरफ से सुधा 500 रुपए आयुषी जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए अदिति जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 2200 रुपए की चौरासी समृद्ध की निष्ठा जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए केसी जी त्रिपाठी की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की उषा जी शर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए सुमित्रा जी शर्मा की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की अभिषेक संजय जी वर्मा महू उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मोहन धन लक्ष्मी जी गंबोदिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 51000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश धामेद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी आपने समृद्ध की जगदीश चंद जी विजयपुर की भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 2100 रुपए सुमन सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए जयंती देवी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 1100 रुपए की चौरासी समृद्ध की गया प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से फतेहपुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्ध की गंगा देवी जी शुक्ला की तरफ से सुधा 500 रुपए भगवान जी वंशाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश धामेद समृद्ध की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके सुधा चौरासी अपने समृद्ध की मोची राम जी प्रजापति की तरफ से महाराजगंज से सुधर 521 रुपए की चौरासी समृद्ध की गुप्तधन में सुधर 1100 रुपए एकता जी गुप्ता की तरफ से लखनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी समृद्ध की मनी जी तिपाड़वाल की तरफ से नासिक
महाराष्ट्र से सुधा पांच रुपए की चौरासी समृद्ध की मनोज जी झा दिल्ली से सुधा पांच रुपए मिट्टू कुमारी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा पांच रुपए महेंद्र जी पंडित की तरफ से सुंदर एक हजार रुपए इंदू जी शुक्ला की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पांच रुपए दीवान जी शाह की तरफ से सुधा पांच हजार रुपए की चौरासी अपने मामा कमरे से दामिन समृद्ध की बहुत पसंद आई तो तुम चार आपके सदस्य अग्रसी अपने समर्पित की सरोज जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए प्रतिमा जी जोशी कच्छ गुजरात से सुधा 11000 रुपए की चौरासी अपने मामा कमरे से दामिन समृद्ध की बहुत पसंद आई तुम चार आपके सदस्य अग्रसी समृद्ध की अर्चना कुमार जी जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए स्वाति महादेव जी ठाकरे की तरफ से कोला मराठे से 4201 रुपए की चौरासी अपने मंदिर एवं गौशाला है तो समृद्ध की बहुत पसंद आई ममता देवी जी की तरफ से 500 रुपए प्रसिद्धि देवी जी की तरफ से हजार हरियाणा सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्ध की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ सदा स्वग्रसी अपने समृद्ध की जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में जो समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सभा समिति का अकाउंट नंबर क्यूआर कोड चल रहा है उसमें अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त तिलदा नेवरा की बाबा धरा पर अपनी स्वग्रह से समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठल सेवा समिति का जो धान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वग्रह से जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमः। बमलेश्वरी माता की जय।
सदगुरुदेव गौ माता की चिंता संतान यदानो रेणुम तनीतचार्यमे महो यदमृतो जंतु वा सर्वदुखातीगो भवेत्तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम् अज्ञानतिमिरघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामिर्दयशेष लीलाचिरब्धीशायन लक्ष्मीसहस्राम्बे सर्वमानं कलानिधि चतुर्विश्व 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 विस्तव शिवजायते सौ पंचदा विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः भगवान की।
कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पुनितमय पावनमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अधिक मास और श्रावण के इस अनुपम संजोग में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन सभा मंडप में विराजमान कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण साधु तपस्वी साधक उपासक जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं सभी साधु संत ब्राह्मण गुरुजन के पावन चरणों को नमन करते हुए स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी अग्रवाल स्वर्गीय श्रीमती अनीता देवी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल श्री अंकित जी अग्रवाल श्रीमती प्रिया जी अग्रवाल कुमारी देविका जी अग्रवाल कुमारी आकांक्षा अग्रवाल दिलदा नेवरा द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं जिनका नाम मात्र केवल उच्चारण ही कर लेने पर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाता है ऐसे देवाधिदेव महादेव हैं जिनकी कथा के यजमान ये श्री घनश्याम लाल जी अग्रवाल और इनके परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन जिन्होंने अधिक मास और सावन के इस पावन संजोग में शिव महापुराण की कथा का आयोजन आयोजित कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों का ही नहीं संपूर्ण देशवासियों के लिए एक आनंद की अनुभूति कराई है। शिव तत्व भगवान शंकर की कथा हमें इस संसार सागर में जागने का कार्य बताती है। भागना और जागना ये दोनों अलग अलग है। हम जब किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम उस परिस्थिति से भागते हैं। हम जब किसी तकलीफ में आ जाते हैं तो उस तकलीफ से हम भागते हैं। हमारे परिवार में अगर कोई बात हो जाती है तो हम अपने परिवार से भागते हैं। मित्र
दोस्त सखा रिश्ते नाते कुटुंब कबीला, जब कोई परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं, तब हम इन परिस्थितियों से भागते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी विषम परिस्थितियों से भाग लो, परिस्थितियां तुम्हारा पीछा छोड़ेगी क्या? बोलो रिजी जी, दिलदाने वरा वाली जितनी बैठी हुई है सब बोलो, परिस्थितियां पीछा छोड़ती हैं क्या? नहीं छोड़ती। तो फिर आवाज नहीं आ रही कि एलईडी नहीं चल रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज खोलिए बाबू, पीछे तक की आवाज खोल दो, रोड पे लोग बैठे हुए हैं बहुत। परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ती, परिस्थितियां हमारे साथ चलती हैं। परिस्थितियों से भाग जाना या परिस्थितियों से मुख मोड़ लेना, ये एक अलग बात है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, भागना किसी चीज का हल नहीं है, भाग जाना किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि भागने की जगह इन परिस्थितियों से लड़ने का कोई ऐसा साधन ढूंढा जाए जिससे हम जागृत हो जाएं। भागना कोई हल नहीं है किसी चीज से, दुख आया हम भाग लिए, कष्ट आया हम भाग लिए, परेशानी आई हम भाग लिए, परिवार में अगर तकलीफ आई तो हम भाग लिए। महापुराण की कथा कहती है, भागना मूल नहीं है, मूल है हमारा जागना। यदि हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा हमें जागना सिखाती है कि हम ऐसे जागे कि हम इस विषम परिस्थिति से भजन कर उससे फल द्वारा, मौन द्वारा, शांति द्वारा और कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाए। कितनी विषम विषम परिस्थितियां केवल मनुष्य के साथ नहीं चलती, विषम विषम परिस्थितियां मनुष्य के साथ भी चलती हैं। केवल एक मानव के साथ विषम परिस्थिति नहीं चलती, परमात्मा के साथ भी विषम परिस्थितियां चलती हैं। भगवान राम के जीवन में कितनी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई। ये विषम परिस्थितियां हमारे सम्मुख में जब आती हैं तो हमको एक लक्ष्य निश्चित करती हैं कि हमको जागना है। एक बात आपसे पूछें, रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आएगी क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आएगी। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नज़दीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आएगी, उसका नींद आना बंद हो जाए, फिर उसको नींद नहीं आ रही, फिर उसको निंद्रा नहीं आ रही, क्योंकि उस सेक्टर में, उस कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को यह भय लगने लगता है कि चोर आया था परसों के दिन, उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं
ये हमारा ना ले जाए, कहीं ये हमारा सामान ना ले जाए, इसलिए रात भर नींद नहीं आती, रात भर निंद्रा नहीं आती। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया, हमारा ना ले जाए, उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जाए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती, हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा और इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा और खींच कर लेगा। निंद्रा कहाँ है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो आना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया व्यक्ति को भगाती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, हमने अगर जागना सीख लिया, हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, तो परिस्थितियां हमको भगा भी नहीं सकती। आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है, तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो सेठ उसमें से निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकाल कर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर। आपने जो समय निकाल कर परमात्मा को दिया है, आपने जो समय निकाल कर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान को? आप नारियल लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है क्या? अरे जम के बोलो जरा, तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? मिठाई का एक किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद, गुरु और महादेव, अगर सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु, गुरु गोविंद, गुरु महादेव, गुरु और भगवान तुम्हारी वस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होते। गुरु और भगवान, तुमने जो गुरु को समय दिया है, जो तुमने परमात्मा को समय दिया है, गुरु और भगवान उस समय को अपना जानकर तुम पर कृपा कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो धन से या वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, वो धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं रहती है। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर आए हो, पूरी चैनल वाले, तो क्या हम कहें लोगों को, बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं, यहाँ से लगभग
आधा किलोमीटर दूर तक इसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर एक किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा पूरी रोडों पर लोग चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना भक्त है चारों तरफ की रोड पर। रोड को छोड़ दो, छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी उस गलियों में भी लोग बैठे होंगे। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या दिया है आपने परमात्मा को? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मैं भी तुझे समय दूंगा। तूने आज मुझे समय दिया है, एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है, मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान इनकी उम्र बढ़ा देना, भगवान ऐसी कृपा करना, भगवान इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना, भगवान कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा कहती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया इसने मुझे समय दिया था इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहाँ से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहाँ से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते हैं इसका अंतिम समय, भगवान कह रहे हैं इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसने मुझे समय दिया है तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको जो समय देगा, अंत समय पर आना पड़ेगा। वचन लिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना समय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पंती, तुम्हारा रिश्तेदार, जितना भी है ना जिसको तुम समय दे रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आखिरी में नहीं आएंगे। वेंटिलेटर पर जब पड़े रहोगे इन सबको डॉक्टर बाहर निकाल देगा। सबको जब सब बाहर निकल जाएंगे तुम डॉक्टर से कहोगे ये हमारा जीजा जी हंदो ना अंदर,
डॉक्टर के जीजा होगा तेरा, चल निकल बाहर यहाँ से, आईसीयू रूम में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा, ये हमारा बेनोई जी है, इनको तो अंदर आने दो, 5 मिनट तो आने दो, चलो बाहर निकलो यहाँ। उस अंक की घड़ी में, उस वेंटिलेटर की घड़ी पर, उस दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा, उस दुख की घड़ी में तब मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको तुमने समय दिया है वो सामने खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, दुख की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। एक पत्र आया है शंभू, एक पत्र आया है, इस पत्र को देखिएगा। मेरा नाम देव की रानी ध्रुवा ध्रुव है, मेरा नाम देव की रानी ध्रुव है, मैं गांव किरना की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र 32 वर्ष है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। देव की रानी ध्रुव, गांव किरना की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र 32 वर्ष है, मैं क्या बखान करूँ गुरुदेव बाबा का, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, ठीक कहीं क्या, हाँ हाथ हिला दो बहन एक बार, हाँ जी ठीक है, मैं बखान क्या करूँ गुरुदेव, मेरी तबीयत 2022 में अचानक खराब हो गई, मेरे गले में एक छाला हो गया था और मैं खाना नहीं खा पा रही थी, डॉक्टर को दिखाया तो उसने बहुत कुछ बोला, आखिरी में उसने कह दिया डॉक्टर ने कि ये छाला ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए कहा, अब मन में डॉक्टर ने इतना कह दिया कि यह छाला साधारण नहीं है और इसका ऑपरेशन करना है, और ये सहज बीमारी नहीं है, सरल नहीं है कि जल्दी समाप्त हो जाए, अब करा क्या जाए। तब मेरे को किसी ने कहा कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, अब मंदिर के चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया, और तब मंदिर के चक्कर लगाना चालू करा। मैंने पशुपति व्रत नहीं करा, मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत करा गुरुजी, मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत करा। रोज मेरे पति भी मंदिर जाते, मेरे लिए चरणा मत लेकर आते, बेलपत्री लाते, मैंने खाना चालू करा। बाबा डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और उन्होंने जो बीमारी का लक्षण बता दिया था वो सारी रिपोर्ट दूसरी बार में नील आ गई और मेरा छाला समाप्त हो गया। ये अंत समय में आता है, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बैठ जाइए, अंत समय में वही आए। मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे काका जी हैं, मेरी बुआ जी है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, कौन आने वाला है? तुमने जिसको समय दिया है, एक पत्र और है, देखिए, मैं उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई है, कहीं बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकती है, जहाँ कहीं भी बैठी, दिख गए क्या उधर, हाँ पीछे है, हाथ हिला तो एक बार बहन, हाँ जी दिख गए ठीक है, ऐसे हाथ हिला तो एक बार वापिस हाथ हिलाओ, हाँ जी ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ गुरुदेव। मेरे पति संजय गुप्ता के मुंह में दिसंबर 2022 में छाला हो गया था, जांच में पता चला कि कैंसर है। गुरुजी, हम इलाज हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ले गए, 26/1/2023 में रायपुर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चालू हुआ, ऑपरेशन हुआ। गुरुदेव,
दूसरी बार फिर वापिस बीमारी उपज गई। शरीर ऐसा नहीं कि फिर वापिस ऑपरेशन कराया जाए, अब करा क्या जाए। सबको मोहल्ले की माताओं को मंदिर जाते देखती थी तो मैं भी मन में सोची कि अब इन्हीं के भरोसे चलते हैं। और बाबा को जल चढ़ाने लगे, वो जल लाकर पति को देने लगे। बाबा जी सिर में वो जल लगाते थे, गले में लगाते थे, फिर वापिस जो गांठ बता दी गई थी कि वापिस गांठ हो गई है और वो गांठ वापिस वही की वही है, तब जल पी पी कर बाबा की सेवा कर कर मंदिर में बाबा का आराधना कर कर दूसरी बार जांच कराने के लिए हम फिर पहुंचे तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और बाबा की कृपा से हमने कहा था जब अगर इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी तो हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो वापिस। हर हर महादेव। मेरा जी श्री शिवाय नमस्तु। ये रिश्ते हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप एक मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा। मिनी जी जो आप लोग मंदिर जाती हो, यहां जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर, तुम्हारे घर के पास मंदिर है, कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप एक दो मिनट में मंदिर में जल चढ़ा कर आ भी जाते होगे, 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़ कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। एक माँ तो यहाँ पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है हमारी। एक माँ बैठी है 2011 से। कहाँ बैठी है? हाथ लगा है। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कई बेटी हो तो हाथ हिलाना, जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे मर जाते थे, जन्म लेते थे मर जाते थे, तब 13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी, तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म। 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही, 2011 में उसको जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे तब शंकर की आनंद का उसने श्रवण करना प्रारंभ। उस समय तो ये टीवियों पर ज्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे मोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे और कहीं छोटा वोटा चैनल होता उस पर, ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे, पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना उसने अपने जीवन में उतारा है। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना, और जो भोलेनाथ जी को दिया समय,
आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक नहीं आने दिया, वापिस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठा कर भेज दिया वापिस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापिस भेजे गए क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहाँ बिठा, कहाँ बिठाया? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापिस आप लोगों को वापिस ट्रेनों में भर भर कर वापिस भेजना पड़ रहा। तुमने जो दिया है महादेव, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय दिया है जब दुख की घड़ी है। कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया, क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर जाए गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, मैं समय दूंगा, और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं जागो, समस्या से भागो नहीं जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए, पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफ है, कितना कितना। जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा ने, जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है। एक पत्र आया, उसमें लिखा उन्होंने कि गुरुजी मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनेश कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरे परिवार की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, अगस्त 2021 में सुनना प्रारंभ करी है। गुरुदेव, मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को हुई थी, भोलेनाथ की कृपा से एवं आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, 2011 में शादी हुई, उसके बाद में बच्चे नहीं हुए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से हम क्या वर्णन करें, लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे, अगर वो आए हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या सामने खड़े हैं, हाथ हिला दो एक बार, बच्चा आए साथ में लाए हुए हैं? अच्छा, भीड़ बहुत है, कैसे लेकर आओगे बाबू? चलो प्रयास करो, अगर बीच में से लेकर आ सकते हो बच्चे को तो, हाँ बच्चे को अगर बीच में से लेकर आ सकते हो तो लिया। गुरुजी,
2011 में शादी हुई पर बच्चे नहीं हुए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको दिखाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां से गोदी भराई नहीं, ऐसा कोई देवता धामी नहीं जहां हम लोग गए नहीं, पर निराशा ही हाथ लगी। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आसन लगा कर बैठ जाओ टीवी के सामने और वही प्रार्थना करो। बस प्रार्थना करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 मार्च 2023 को हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए हैं। ये शिव तत्व है, ये उपति है, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया साधारण नहीं। आप करो उसका भजन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहे पसारे। हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। आपका हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल। जोरदार ताली बजाओ एक बार। 11 वर्ष के बाद बाबा ने, 2011 में विवाह हुआ तो 2023 में दिया है जो शिव कृपा। ये उसकी उदार, ये उसकी करुणा, ये उसकी आपने उसको समय दिया है, वो आपके लिए समय निकाल कर पहुंचता है। हम भागे ना परिस्थितियों से, तकलीफों से, कष्ट से, बीमारी से, हमें भागना नहीं, हमें जागना है। हम जागे, हमारी जागरूकता मूल हो, और जब हम जागेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा हाथ हमारे देव अधिदेव महादेव जरूर पकड़ेंगे और हमें पार उतार देंगे। हमारा जागना जरूर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू
शंभु।